नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता अध्याय श्लोक अध्याय 2 श्लोक 39 से आरंभ करेंगे। एषा ते विथा सांख्ये बुद्धियोगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। अब देखिए कर्म योग के दो विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और ना करने से हानि का वर्णन किया। अब यहां से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही, वह सांख्य और कर्म योग दोनों साधनों में प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र और एक मोक्ष शास्त्र। यहां 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको ना करना भी अकर्तव्य है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने को सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए, और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरों का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्वज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। श्लोक 40वां। नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वलपमवपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस संबंधी रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। समता की महिमा भगवान ने 39वें 40वें श्लोकों में चार प्रकार से कही कि समता किस लिए महत्वपूर्ण है। समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता। तीसरा, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। चौथा, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं, तथापि सब में थोड़ा अंतर है। जैसे भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्यों से माना हुआ संबंध है। समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता, कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण अनुष्ठान विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है, परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है उसमें अगर व्यवहार आदि की भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता है और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज हो जाते हैं, परंतु उस समय जो हमारा मित्र है, जो हमारे से कुछ भी
हम जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते। प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से छूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता नहीं उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती। प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं तो उनका नाशवान फल धन संपत्ति एवं स्वर्ग प्राप्ति होता है, यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो उनका अविनाशी फल मोक्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म के दो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल होता है कल्याण। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहां से चला था वहां पुनः लौटकर नहीं चला जाता, परंतु जहां तक पहुंच गया वहां तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका नाश कभी नहीं होता। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई के एक मन हो या 100 मन, उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई पर्याप्त है। एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी। प्रत्युत रुई खुद ज्वलशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता ना होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं, पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी ही घास हो क्या अग्नि के सामने टिक सकती है, कितना ही अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है, अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा, ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा, महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है। समता थोड़ी हो तो भी पूरी है और भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प समता भी महान है क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी स्वल्प सत्ताहीन है क्योंकि वह कच्चा है। समता को निष्काम भाव को स्वल्प कहने का तात्पर्य है कि निष्काम भाव तो महान है पर हमारी समझ में हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई, उधर हमारी दृष्टि कम गई तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया और असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ। इसलिए अगर हम सत को अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा। असत का आदर ना करें तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता है ही नहीं, और सत महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। इसलिए उपनिषदों में परमात्मा तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। तो ये हमने अभी श्लोक 40 तक किया, अब हम श्लोक 41, 42, 43 का मतलब भी पढ़ते हैं। व्यवस्थात्मिका बुद्धि के रे कुरु नंदना बहुशा का हन दस्य बुद्ध योग व्यसासी नाम। हे गुरु नंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं हुआ ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं, उसकी अनंत कामनाएं होती हैं और एक एक कामना पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। श्लोक 42-43 यामिमां पुष्पिता वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिना कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर फल प्रदाम
क्रिया विशेष बहुलाम भोगस्य गति प्रति। हे प्रधानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्म में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। श्लोक 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप चेतसाम व्यवसितात्मिका बुद्धि समाधो न विधियते। उस पुष्पिता वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया है गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। इसका विशेष भाव, अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न सुखी और दूसरों के दुख से करुणित होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती, और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। धन्यवाद। हमने आज श्लोका चैप्टर 2 के 44वें श्लोक तक किया। इसके बाद हम बाद में 45 से आरंभ करेंगे। नमस्कार।